फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में पाइवट टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। पाइवट टेबल का बेसिकल यूज हमारे डाटा को समराइज करके एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास एक टेबल है जिसका हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ हमने ए कॉलम में सेल्समैन एंटर किए हैं और बी कॉलम में एंटर किया है वो सेल्समैन किस एरिया में जो है वो ऑपरेट करता है। लाइक जॉन जो है वो मुंबई में ऑपरेट करता है, एल्बर्ट भी मुंबई में ऑपरेट करता है, डेविड जो है वो बेंगलोर में ऑपरेट करता है, और सी कॉलम में जो है हमने उनकी मंथ वाइज जो है वो सेल टर्नओवर एंटर की है कि जो जॉन है वो मे मंथ में 12,000 सेल जो है वो ऑपरेट करता है, यानी कि 12,000 सेल करता है, और उसका ई कॉलम में हमने उसका परसेंटेज निकाला है कि वो मे में जो है 16% जो है वो कैलकुलेट करता है, यानी कि परसेंटेज ऑफ सेल है उसका 16%। अब हम यहाँ से मे का जो परसेंटेज है उसे सेलेक्ट करते हैं और नीचे स्टेटस बार में देखते हैं कि जो इसका सम आ रहा है वो है 100%। इसका मतलब जो मे का 100% सेल है उसमें से 16% जो है वो जॉन लेता है और 25% जो है वो एल्बर्ट सेल करता है, 21% डेविड सेल करता है, मार्क जो है वो 21% करता है और 18% जो है वो विल ऑप्ट करता है। तो इस तरह से हम सभी का जो है डाटा सेलेक्ट करके देखते हैं कि जो सबकी परसेंट है मंथ वाइज, आप देख रहे हैं कि स्टेटस बार में सबका जो सम आएगा वो 100% आएगा। 100% के हिसाब से जो है परसेंट दे रखी है कि 19% जो है जून में वो जॉन सेल करता है, 21% जून में एल्बर्ट सेल करता है। इस तरह से हमने मंथ वाइज जो है उनका सेल परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इस टेबल के लिए पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जिस भी टेबल के लिए हम पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें हेडर्स का होना बहुत जरूरी है। लाइक यहाँ पे इस टेबल में जो हमने हेडर लिया है वो सेल्समैन एरिया सेल्स टर्नओवर मंथ एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मंथ सेल्स। तो जिस भी टेबल के लिए आप पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे उसमें हेडर्स का होना बहुत जरूरी है। फिर हम उस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट टैब में से टेबल्स ग्रुप में से पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शंस आएंगे, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। पाइवट टेबल की हेल्प से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं और पाइवट चार्ट की हेल्प से हम पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम पाइवट टेबल क्रिएट करना सीखेंगे तो हम पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने क्रिएट पाइवट टेबल का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमें सबसे पहले चूज करना है चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी जिस भी टेबल के लिए आप पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसका रेंज जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी जो हमने यहाँ से जो रेंज है उसे पहले से ही सेलेक्ट लिया था तो इसलिए यहाँ पर रेंज जो है वो हमें शो कर रहा है। अगर हम उसे सेलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जाकर इस बटन पर जाकर जो है वो रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे। अभी फिलहाल हम इसे ऐसे रहने देंगे। नेक्स्ट है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अगर हमारा टेबल यानी कि जो हमारा इसके लिए भी हम पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो डाटा हमारा शीट पर ना होकर किसी एक्सटर्नल डाटा सोर्स पर है तो हम उसे वहां से भी यूज यानी कि उस एक्सटर्नल डाटा सोर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस बटन पर क्लिक करना होगा, फिर चूज कनेक्शन यानी कि कनेक्शन के थ्रू हम उस डाटा सोर्स को वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम सेलेक्ट टेबल ऑरेंज पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद हम जहां पर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं यानी कि पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं हम दो पोजीशन पर पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू वर्कशीट पर और दूसरा एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करते हैं तो हमें वो रेंज देना होगा कि जहां पर हम वर्कशीट को यानी कि अपने पाइवट टेबल को रखना चाहते हैं उसकी लोकेशन हमें यहां पर सेट करनी होगी। अभी फिलहाल हम न्यू वर्कशीट पर जो है पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम न्यू वर्कशीट पर हमने क्लिक कर दिया, देन हम ओके करेंगे। ओके करते ही हमारे सामने जो है अब आपने देखा शीट नंबर 4 पे जो पाइवट टेबल है वो इंसर्ट हो गया है। इस तरह का हमारे पास एक फॉर्मेट आएगा। यहाँ पर हमारे सामने जो राइट में दे रखा है पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, जो भी हमारे टेबल में हेडर्स थे वो यहाँ पर अब इंक्लूड हो गए हैं। अब हम यहाँ पर जो है पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे लाइक यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया वाइज जो है वो पाइवट टेबल देखना चाहते हैं, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि किन किन एरिया में जो है वो सेल्समैन काम करते हैं, तो हम यहाँ पर एरिया पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एरियाज थे हमारे पास जहाँ पे वो सेल्समैन ऑपरेट करते थे बेंगलोर कैलकटा एंड मुंबई वो यहाँ पर ऐड हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि वो उस एरिया में कितना सेल्स टर्नओवर करते हैं तो हम यहाँ पर इस चूज फील्ड टू एड टू रिपोर्ट में से सेल्स टर्नओवर पर भी क्लिक कर देते हैं।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सामने एरिया के आगे सेल्स टर्नओवर भी ऐड हो गया है कि जो बैंगलोर है उसपे इतना सेल्स टर्नओवर है, कैलकटा में इतना और मुंबई में इतना। अब हम अगर मंथ भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम मंथ पर भी क्लिक कर सकते हैं कि बेसिक मई में जो है वो इतना सेल्स टर्नओवर होता है, जून में जो है वो इतना सेल्स टर्नओवर होता है, जुलाई में इतना और अगस्त में इतना। इस तरह से हम जो है वो पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप परसेंटेज ऑफ टोटल मंथ सेल्स भी देखना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसने सम ऑफ परसेंट ऑफ टोटल मंथ सेल्स भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखने हैं कि यहाँ पर ये जो है डेसिमल पॉइंट में डाटा शो कर रहा है। अगर आप इसे परसेंटेज स्टाइल में करना चाहते हैं तो आप इस डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ से डाटा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब पर जाएंगे और यहां से जो है इसे परसेंटेज स्टाइल में, नंबर ग्रुप में से परसेंटेज स्टाइल कर देंगे तो ये इसे परसेंटेज स्टाइल में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हम डाटा को परसेंटेज स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप यहां से जो है आप देख रहे हैं इसने पाइवट टेबल क्रिएट कर दिया है कि जो मई मंथ में है, अगर आप यहाँ से सेल्समैन नेम भी ऐड करना चाहते हैं इस टेबल के अंदर और आप चाहते हैं कि वो एरिया वाइज ना देकर सेल्समैन वाइज दे, या आप तो आप यहाँ पर सेल्समैन पर भी क्लिक कर देंगे। तो आप इसे सेल्समैन पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर इसने सेल्समैन भी जो वो ऐड कर दिया है कि मई मंथ में जो डेविड है वो इतने परसेंटेज का सेल करता है और जो मार्क है वो इतने का करता है। अब आप यहाँ से इस तरह से जो है वो सेल्स टर्नओवर सेल्समैन का शो कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर जो है वो एरिया हटाकर जो एल्बर्ट है वो इतने का सेल्स टर्नओवर करता है, डेविड जो है वो इतने का करता है। तो इस तरह से जो है हम वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं क्लिक करके, अगर हम उन्हें एंटर करना चाहते हैं। और अगर आप इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि जो आपकी टोटल मंथ सेल है वो परसेंटेज में आ जाए तो आप यहाँ पर परसेंट पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमें यहाँ चार बॉक्सेस दे रखे हैं, ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरिया बिलो, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका सेल्समैन है वो कॉलम रो लेबल की बजाय कॉलम लेबल्स में शो हो जाए। यहाँ आपको दिख रहा है कॉलम लेबल्स और यहाँ पर आ रहे हैं वैल्यूज। अब आप चाहते हैं कि जो आपका सेल्समैन है वो रो लेबल्स में ना होकर कॉलम लेबल्स में आ जाए, कि जो आपके सेल्समैन है यहाँ पर वो रो लेबल्स में ना होकर कॉलम लेबल्स में शो हो जाए, तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे। जैसे ये फोर पॉइंटर आपके सामने आएगा आप यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक को ड्रैग करेंगे और इसे यहाँ पर ले जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसने हम सेल्समैन थे उनको कॉलम में एडजस्ट कर दिया, यानी कि रो लेबल की बजाय कॉलम्स में एडजस्ट कर दिया। इस तरह से अगर आप यहाँ पर सेल्समैन की बजाय मंथ को रो लेबल से कॉलम लेबल में लाना चाहते हैं और सेल्समैन को वापस रो लेबल में लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेल्समैन को ड्रैग करके वापस रो लेबल में ले आएंगे और मंथ को जो है वो रो लेबल से कॉलम लेबल्स में ले जाएंगे। इस तरह से अब इसने जो है वो मंथ वाइज डाटा को अरेंज कर दिया है कॉलम लेबल्स में कि जून में जो है वो एल्बर्ट 19,000 करता है, जुलाई में इतना, अगस्त में इतना और मई में इतना। इस तरह से जो है हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन वैल्यूज फील्ड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे और इस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। लेफ्ट क्लिक करते ही हमारे सामने ये वर्टिकल मेनू ओपन होगा, यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वैल्यू फील्ड सेटिंग का विंडो ओपन होगा। अब आप देख रहे हैं कि जो सेल्स टर्नओवर है उसे सम करके शो कर रहा है और मंथली सेल्स परसेंटेज को भी सम करके शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इनको ये वैल्यू फील्ड काउंट एवरेज काउंट करके दे या एवरेज करके दे तो आप यहाँ से उसको उसी से उसके हिसाब से फील्ड के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसे सम ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस तरह से हम इनका वैल्यू फील्ड सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ से जो है क्लोज कर देते हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है पाइवट टेबल टूल्स नाम से एक टैब क्रिएट करके देता है जिसके दो सब टैब्स हैं, ऑप्शन टैब्स एंड डिजाइन टैब। हम ऑप्शन टैब्स की हेल्प से जो है पाइवट टेबल की जो फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हैं। लाइक हम ऑप्शन टैब पर क्लिक करते हैं और सबसे पहला है पाइवट टेबल।
पाइवट टेबल ग्रुप में हम पाइवट टेबल को नेम दे सकते हैं, लाइक यहाँ पर इसने इसे नाम दिया है पाइवट टेबल वन, हम यहाँ पे इसे क्लिक करके इसे कोई और नाम भी जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक्टिव फील्ड ग्रुप, एक्टिव फील्ड ग्रुप में फील्ड सेटिंग है, अगर आप इस पर जाएंगे तो आप किसी भी फील्ड का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपके सामने फिर से वैल्यू फील्ड सेटिंग बॉक्स आएगा, विंडो आएगा, आप यहाँ से सम ऑफ परसेंटेज यानी कि उसका एवरेज काउंट वैल्यू फील्ड जो है वो आप इसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर फील्ड सेटिंग्स में जाकर भी। नेक्स्ट अगर आप किसी फील्ड का ग्रुप करना चाहते हैं यानी कि आप डाटा को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ग्रुप वाले आप इसे सेलेक्ट करेंगे, डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आप ग्रुप वाले पे जाएंगे और यहां से कर देंगे ग्रुप सिलेक्शन, तो आपका डाटा जो है वो ग्रुप में जाएगा। अगर आप इस ग्रुप को अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप फिर से ग्रुप पर जाएंगे और यहां से कर देंगे अनग्रुप, तो आपका डाटा जो है वो अनग्रुप्ड हो जाएगा। इस तरह से हम डाटा को ग्रुप में भी और अनग्रुप यानी कि ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं और फर्दर अनग्रुप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं यानी कि असेंडिंगली या डिसेंडिंगली सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाएंगे। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो हमारा डाटा है वो असेंडिंगली सॉर्ट है, लाइक एल्बर्ट, फिर डेविड, जॉन, मार्क एंड विल। अगर आप इसे डिसेंडिंग सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर में से डिसेंडिंग पर जाके इसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसे असेंडिंग ही रहने देंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑप्शन ग्रुप पे, वो है हमारा रिफ्रेश का। अगर हम कोई डाटा की टेबल में चेंजेस करते हैं, चेंजेस देखने के लिए हमने शीट नंबर वन पे डाटा क्रिएट किया था, हम उस टेबल पे जाते हैं, हम यहाँ 12,000 की जगह जो है वो 15,000 कर देते हैं, आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे कि इसकी परसेंटेज में भी जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर डाटा को 15,000 किया, उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर 19% हो गया है। अब हम इस चेंज को जो है अपने प्राइवेट टेबल में भी जो करना चाहते हैं कि जो डाटा है हमने जॉन का वो चेंज किया है 12,000 से 15,000 किया है और यहाँ पे परसेंटेज भी है जो चेंज हो गया है, तो हम वहां पर उसके ऑप्शंस ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से डाटा ग्रुप में से रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डाटा था 12,000 वो 15,000 हो गया और जहाँ पे परसेंटेज थी वो भी 19% हो गई है। इस तरह से अगर हम अपनी शीट में कोई चेंज करते हैं और चाहते हैं कि पाइवट टेबल भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए यानी कि पाइवट टेबल भी रिफ्रेश हो जाए, तो हम ऑप्शन ग्रुप में जाकर यानी कि ऑप्शन सब टैब पर जाकर डाटा ग्रुप में से रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके अपने पाइवट टेबल को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने टेबल को पाइवट टेबल में समराइज करके इजीली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।